हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, विद्या अनिल ब्लॉग्स। और मेरे बाल देखो कैसे गए गाइस। ये मेरे नए बाल है जो कि तेल से आए हैं और अब ये चाउमीन जैसे दिख रहे हैं तो जल्दी हो बाकी बालों जैसे हो जाएंगे। और भैया भी टाइम हो चुका है 7 बजे का और उठे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। 6:30 बजे उठ गए थे। लड्डू फ्रेशन अप हुआ है, इसको क्लीन वगैरह किया और अभी पी रहे भाई जीरा वाटर। ये देखो सुबह सुबह और अनिल को जाना है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठ गया। आजकल कोशिश करें, और पता है धूप भी बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए जल्दी उठ रहा है। आज भाई 29 मार्च और मेरे को आज एक फंक्शन में जाना था, अभी जाना है मतलब, बट कोशिश करेंगे कि जाए लेकिन अभी। अरे यार लड्डू भैया, ये सुबह सुबह किचन में चला जाता है, इसको बर्तन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से आज के लिए खेलने लगा है। तो मैं कह रही थी आज मुझे 29 मार्च यानी कि एक बच्चे के बर्थडे में आज जाना था तो, लेकिन नहीं जा पाएंगे। कोशिश करेंगे जाएंगे, बट अभी जो आप लोग जानते हैं 4-5 दिन से की छुट्टी थी तो अगर वो आ गए जल्दी तो हम चलते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बेस्ट विशेज अपनी ऐसे ही देंगे और बस कुछ नहीं। तो चलो कोशिश करेंगे और अगर जाएंगे तो भी आप लोग को दिखेगा, नहीं जाएंगे तो भी दिखेगा। तो वैसे अभी तक गाँव की थकान नहीं उतरी है, नींद पूरी नहीं हुई अभी तक, तो बस अभी तो यही चल रहा है। और भाई मैंने रात को राजमा भी हुए थे, वो बॉयल होने रख दिए हैं सुबह सुबह में, वो हो जाए ना तो उसके बाद ये कि सब्ज़ी बनानी होगी तो वो मैं फटाफट से कभी भी बना दूँगी, लड्डू सोएगा जब या कभी भी। तो बस अभी तो यही चल रहा है, आज कोई ऐसा कोई खास काम है नहीं घर पे। सारे कपड़े कल धो दिए थे, कल सारे फोल्ड वगैरह करके लगा दिए थे। हाँ बाकी नए नए काम मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे ये करना है, उससे मेरा घर एकदम सेट रहता है। तो चलो वो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और लड्डू को दिखा देती हूँ, कैसी शक्ल बना लेता भाई सब। इसको हम रोज़ सुबह सुबह नहला धुला के साफ़ सुथरे वस्त्र पहना देते हैं, लेकिन ये लड़का, इसके बाल काटने पड़ेंगे, इसके बाल ना बहुत बड़े बड़े से हो गए। तो चलो भाई, मेरे को तो अभी भी नींद आ रही है। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही पूरे दिन, और बहुत सारी चीज़ें जाती है यार, घर का, लड्डू का, अपना भी काम और भी बहुत सारे काम, साथ में यूट्यूब भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा चैनल अगर को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और देखा करो, लाइक भी करा करो, जो सब मेहनत हो रही है वो धीरे धीरे करके सफल हो जाए, तो इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड़ वाले ओट्स के थोड़े से वैसे हो गई काफ़ी देर जाने के लिए, लड्डू काफ़ी देर से उठा हुआ है तो वो भी सोएगा नहीं के जाते ही, और वो इसलिए रो रहा है, उसको लग रहा है कि अभी जाए ही, देखो और मेरे पास आ नहीं रहा, तो नहीं भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। सारा काम हो चुका है, लंच में बनाएंगे आज राजमा चावल, राजमा बॉयल हो चुके हैं, थोड़ी देर में बना देंगे, और बस अभी मैं भी नाश्ता कर लूँ और थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से लड्डू को सुला के। तो वही लड्डू सो चुका है और टेंस वगैरह लगा रखे, बंद कर दें क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है। अभी टाइम हुआ 10 बजे, धूप देखो भाई कितनी ज़्यादा है पेड़ों के लिए भी मैंने। तो सुबह सुबह में ना सुबह 8 बजे इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है कि हम बालकनी में इस रूम में नहीं आ सकते, और हमारा एसी में अभी इसलिए चलाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी चला लेना तो फिर ऐसी गंदी आदत पड़ जाएगी भाई साहब एसी की, कि हम एसी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम 1 महीना और कोशिश करेंगे कि एसी ना चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए हम उस रूम में रहते हैं। वहाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ से थोड़ी सी ठंडक है, यहाँ पे सुबह उठते धूप आ जाती है तो नहीं, यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकते। और फिर दूसरा फिर यहाँ का फ़ैन ख़राब है, तो ये देखते हैं संडे को ठीक कराते हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा यार किसी भी चीज़ के लिए। आज मुझे जाना था एक जगह, मैंने आपको सुबह भी बताया था, तो कैसे जाती मैं अकेली तो चली जाऊँ, पर लड्डू आज नहीं, काफ़ी टाइम बाद कल गए थे और आज गए हैं, ऑफिस देख रहे हैं छुट्टी हो रही है काफ़ी दिन से तो नहीं जा पा रहे, और मेरे भी बहुत सारे काम पेंडिंग है अभी। और दूसरा फिर लड्डू रुकता नहीं भाई अनिल के बिना, बिल्कुल भी नहीं रुकता मेरे साथ, अकेला वो रह नहीं सकता है, उसको अनिल की इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना, वो उनके साथ उसको चाहे कहीं ले चलो रह लेगा लेकिन नहीं रुकता है वो, इसलिए भी थोड़ा और थोड़ा सा दूर है, दूर तो देखो कुछ नहीं है पर वही ना, ये रुकेगा नहीं और ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर, इसलिए तो बाकी ठीक है सब। और अभी धूप आ रही, लड्डू सो गया थोड़ी देर में, अभी लेट के एक दो वीडियो का एडिटिंग का काम है वो कर लेती हूँ, और अब से मेरी वीडियो एकदम रेगुलर आएगी, वैसे भी रेगुलर ही आती है बट अब थोड़ा सा और रेगुलर कर लेंगे वीडियोस को। तो चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर में, अनि जा चुके हैं और अभी ओट्स खा लिया है, राजमा बॉयल हुई है, दोपहर में राजमा चावल बनाएंगे, काम सारा हो ही गया, ऐसा कुछ काम है नहीं, और अपने काम कर लेते हैं। अब उठ चुका है, देखो खेल रहा है यहाँ पर बैठ के, और अभी टाइम हो चुका 12 बजे का, और मैं भी 1 घंटा सो गई थी, और उठते ही ना मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, वैसे तो मुझे राजमा चावल बनाने बट मेरे को भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से ना
चिल्ला बना लेती हूँ, मतलब कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। राजमा चावल बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, समय तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा मन पता नहीं क्यों कुछ और खाने का कर रहा है। तो अभी हम बनाएंगे चिल्ला फटाफट से, दो छोटे छोटे से, ये एक्स्ट्रा मंचिंग हो जाएगी, बट कोई नहीं, थोड़ा हेल्दी मंचिंग कर रहे हैं। मन तो मैगी खाने का कर रहा था, बट मैगी ना तो है और ना ही खानी है, बट आज खाएंगे ज़रूर। और यहाँ पे हमारा लड्डू भी बैठा, लड्डू देखो इधर, ओए लड्डू, और डूडू, ये तो भैया, ये तो उठते ही ना ऐसे भागता ना रसोई में, इसको पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, अलग अलग चीज़ों से खेलता। अभी हम रसोई में बैठे हुए हैं नीचे, और मैं फटाफट से बना देती हूँ। अनि अभी आएंगे थोड़ी देर में, तब तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है उठते ही। चावल बॉईल हो रहे हैं, साथ में बना रही हूँ अभी चीला, मटर मैंने डाली और कुछ नहीं डाला। ये बैठा है देखो, इसको नई नई चीज़ें चाहिए। लड्डू, ओए लड्डू, जब इसे खेलना होता ना, और किसको किचन की चीज़ें चाहिए, वहाँ इतने सारे टॉयज पड़े हैं उनसे नहीं खेलेगा, बट किचन की चीज़ें चाहिए और मुझे भूख लग रही थी। तो मैं फटाफट से दो चीले मैं बना रही हूँ और खाऊंगी, चावल बन गए साथ साथ राजमा भी रख लूँगी। मेरा चीला बन चुका है और लड्डू लड्डू भी खाने के लिए रेडी हो आ गया, देख लो वैसे नहीं आ रहा था इतनी देर से। तो चलो जी हम खा लेते हैं, एक ही लिया वैसे तो मैंने अभी, एक अनिकले रख दिया है क्योंकि राजमा चावल भी तो खाने हैं। तो चलो मिलते हैं, इसको देखो, इसको देखो आई। तो गाइस आज भाई अभी राजमा तो बन रहे हैं, और देखो यहाँ पे मैंने चावल बना दिया है, एंड उसके बाद ये दही मैंने भाई घर पे ही जमाई थी क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो दही चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे देखो हमारे पास पुदीना है, तो हम ऐसे रोज पुदीने वाली लस्सी बनाते हैं, मतलब हल्की सी दही डाल के और काफ़ी सारे पुदीने के पत्ते, और यहाँ पे भी मैं दही डाल के उसकी लस्सी बनाऊंगी। मैं दही दिखा देती हूँ आपको, ये देखो भाई कितनी मस्त जम गई है एकदम। तो अभी भाई अनिल आए हैं, आपने देखा था मैंने चीले बनाए थे बेसन के, तो एक दो तो अनिल को भी दे दिए हैं, और अब मैंने सर फटाफट से सब्जी रख दी है, चावल तो हमारे बन ही गए थे, तो मैं लस्सी बना रही क्योंकि गर्मी है। तो भाई आप लोग भी लस्सी जितना हो सके पिए, पानी ज़्यादा पिए और हैवी चीज़ें थोड़ा सा कम खाएं। इसको देखो ओए, और बस आप ये बहुत, मतलब हमने ना पुदीने का मुझे ऐसा लग रहा लगा के बहुत अच्छा काम कर दिया, क्योंकि आगे आगे जैसे गर्मी आएगी ना तो पुदीने से ना एक रिफ्रेशमेंट बनती है भाई, बहुत मस्त लस्सी बनती है, आप लोग ट्राई करना। आपको बस ऐसा हो तो ऐसा ले ले, नहीं तो आप ये पुदीना ना बहुत नॉर्मली हो जाती है, आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, छोटा छोटा तोड़ के लस्सी, दही है तो दही, दही में थोड़ा सा पानी ऐड कर लो, अगर दही नहीं है लस्सी से बना रहे हैं तो लस्सी को ऐसे ही रहने दो हल्का हल्का, वो बहुत मतलब दो तीन मिनट में ही ऐसे एकदम बारीक हो जाएगी, हल्की सी दही या पानी डाल के करो, बस इसको मिक्स कर दो, हल्का सा नमक, काला नमक डालना चाहे तो काला नमक, और बस और कुछ नहीं डालना, काली मिर्च डालो थोड़ी सी, और दही को अच्छे से फेंट फेंट के ऐसे ये रखो ऐसे, और हमारी लस्सी रेडी हो जाएगी। लंच हमारा पूरा ही रेडी है, आप लोगों को दिखाते चलो। मिलते तो बच चुके हैं, और अनिल का आ गया भाई गर्मा गर्म खाना, ये चावल राजमा और लस्सी पुदीने वाली। मैं अभी नहीं खा रही क्योंकि मैंने वो चीले खा लिया था, एक डेढ़ खाया था, इसको बंद कर लो प्लीज़। तो अभी उतनी ज़्यादा भूख नहीं है, और खाएंगे भाई अब तो शाम से कोई खाएंगे, चार पाँच बजे सी लस्सी पी लेती हूँ थोड़ी सी, प्यास प्यास ही लग रहा भाई एक्चुअल में, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना उस कमरे में तो हमारे में जाया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर भी थोड़ी सी ठंडक है, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो मुझे बताइएगा आपके यहाँ पे भी क्या इतनी गर्मी पड़ रही है, या हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो चलो अनि से पूछते हैं कैसा है। हाँ चावल तो मेरे को वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी पेट भर चुका है। अनि बढ़िया बन रहे हैं लड्डू भी, और मैं भी दोनों राजमा चावल खा रहे हैं, ये तो खा रहे हैं, और हम लस्सी भी लेते हैं, और फिर आप लोगों से मिलते हैं जी थोड़ी देर में, और रेस्ट भी कर लेते हैं, पूरे दो बज चुके हैं, और बाहर इतना भाई साहब सिकल तो खारी हो रही है, इतना धूप निकल रही है इतनी ज़्यादा तेज वाली। और पता है एक बात बताऊँ, हरियाणा में ना धूप है लेकिन गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है, अंदर ठंडक है, और हमारे यहाँ पे क्या है धूप बहुत ज़्यादा और उतनी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे ना थोड़ी ठंडक है क्योंकि पेड़ बड़े हैं, यहाँ तो इतने पेड़ होते ही नहीं, आप लोग जानते हैं दिल्ली में कहाँ पेड़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, उधर धूप ज़्यादा लेकिन गर्मी नहीं है, लू पड़ती है। चलो मिलते हैं। देखो अनिल मेरे से अपना काम करा रहे हैं, मैं अपना भी करूँ इनका भी करूँ, तो देख लो भाई, और अपना यूट्यूब का भी करो, उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, बट मैं बहुत सारा काम करती हूँ यार, अभी मेरे को नींद आ रही है लेकिन अनिल मेरे से इतना सारा काम करा रहे हैं। पढ़ी लिखी हुई बहू का भी यही तो फायदा होता है, काम करो सिस्टम से। तो भाई अभी अनिल जा चुके थे, तो और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था एकदम बारिश जैसा, पूरा दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और गर्मी के टाइम पे ना आप लोग भी अपने घर पे थोड़े डार्क कलर के कर्टेंस लगा के रखे जिससे कि धूप अंदर ना आए। छः बज चुके थे और लड्डू भी सो चुका था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और खाना खा लिया जाए, वैसे भी खाने का टाइम हो ही गया था, मैं जल्दी ही खा लेती हूँ अब। और भाई मैंने वही दिन वाले राजमा चावल खाए क्योंकि आज मैंने दिन में नहीं खाए थे, और भाई राजमा चावल की तो एक एक बाइट इतनी गजब थी ना, मैं क्या ही बोलूँ, और राजमा चावल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अपने हाथों के तो स्पेशली
राजमा चावल ऐसे होने चाहिए कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और एक एक बाइट में मैं पूरा टेस्ट ले लेके खा रही थी। और भाई क्या आप भी मेरी तरह राजमा चावल लवर हैं तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो मिलते हैं खा पी ले उसके बाद। लड्डू सो के उठ चुका है और भी मैंने देखा आप लोगों ने खाना खा लिया था, और यार राजमा चावल इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, और मुझे ना ऐसे ही थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा तरी वाले राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, हल्के से गाढ़े गाढ़े थिक वाले अच्छे लगते हैं। और मे भी राजमा चावल तो सबके ही फेवरेट होते हैं, तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बनाए और मुझे तो बहुत पसंद आए। बाकी आप लोग वीडियो में देख ही लेंगे। और गाइज मेरा फेस देखो, आप लोग को पहले से ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं ना, तो ये कुछ हमने हैबिट्स की वजह से। और जल्दी भाई कल परसों में हमारा एक और बहुत मस्त वेट लॉस जर्नी वाला व्लॉग आने वाला है, एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज वाला, तो आप लोग देखिएगा, आपको उसमें सब कुछ अच्छे से पता लगेगा। तो आज भाई काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा था अपने हेयर में हेयर ऑयलिंग करूँगी, और मैं मोस्टली हमेशा से ही कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ। लड्डू के बाल भी थोड़े से बड़े हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज इसको भी कोकोनट ऑयल की मालिश कर ही देते हैं, उसके बाद तो इसको बाल कटवा ही देने हैं। तो मैं अनिल और लड्डू हम साथ में ही बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे, किसी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे, और यहाँ पे लड्डू की ऑयल मसाज करने के बाद, लड्डू के बाल आजकल बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन जल्दी हम कटवाने वाले, और देखो इसको पूरा इसने मालिश को इंजॉय किया, उसके बाद इसकी मालिश डन होगी। कंघी करी बट इसके बाल ना कर ली है तो कंघी करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने भी सोचा, वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से ये तेल लगा नहीं रही थी बट गर्मियों की वजह से जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेयर वॉश करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज कोकोनट ऑयल से मसाज की जाए। तो मैंने पूरा 10 से 15 मिनट लगा के अपने पूरे हेयर्स की रूट्स पे, स्कैल्प पे, लेंथ पे अच्छे से, वैसे तो आप डबल बॉयलर मेथड से या ऑयल को थोड़ा सा हल्का गर्म करके ऑयलिंग करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, बट मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं था। मैंने 10 से 15 मिनट लगा के अपने हेयर्स को अच्छे से मसाज किया और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये काफ़ी टाइम बात कर रही थी इसलिए और ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, बीच बीच में हमारी बातें कंटिन्यू थी तो यहाँ पे मेरे हेयर ऑयल में मसाज हो गई थी अच्छे से और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कभी भी जब भी हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो कम से कम एक दिन के लिए उसे रखना चाहिए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप शावर करने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वीक में एक से दो बार आपको हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, ये आपके हेल्दी हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को रख सकते हैं पूरे वन नाइट के लिए तो बहुत और भी ज़्यादा ये बेनिफिट आपको बेनिफिट्स जो है वो देने वाला है। बीच बीच में लड्डू भी आ रहा था देख सकते हैं आप, बट यही चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद बना ली मैंने अपनी छोटी सी ये चोटी, वैसे तो मैं इतनी प्रो नहीं हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का, बहुत दिनों के बाद आज मैंने करी है बालों में ऑयलिंग क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई से हो गए थे। और अभी टाइम हो चुका है भाई 10 बजे का, सारा काम वाम ख़त्म हो चुका है और लड्डू अभी भाई दलिया खा रहा है, बाद में दिखाते हैं। तो बस आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और अच्छे अच्छे और भी प्यारे प्यारे कंटेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो व्लॉग में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे आप लोगों से वापस से नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राम राम जी सभी को।